बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स को कैसे जनरेट किया जा सकता है और फिर उनको कैसे डीमॉड्यूलेट करेंगे, है ना। इन दोनों टेक्निक्स दोनों ही तरीके में अलग अलग टेक्निक्स होंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इस समय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर क्लिक करिए तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे जो आपको आगे एडवांटेज देने वाले हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को अब देखने की का प्रयास करेंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो जनरेशन टेक्निक्स है या मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है जो हमारी, मतलब हमारे दो तरह की टेक्निक्स होगी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एएम वेव्स को हम जनरेट करने जा रहे हैं। एएम मतलब क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को, है ना। AMT जो हमने सिग्नल के बारे में बात की थी इसको हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं। देखो टेक्निक्स को देखें तो एक तो हाई लेवल मॉड्यूलेटर है और दूसरा लो लेवल मॉड्यूलेटर है। अगर हम सीधे सीधे हाई और लो पावर की बात करें तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाई लेवल मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको आप वाइड बैंड सिग्नल से आप पास कराइए। तो भाई जो हमारा फ्रीक्वेंसी है तो कुछ भी हो सकता है, 2 kHz हो सकता है, कोई 5 kHz हो सकता है, कोई 10 kHz हो सकता है ना। स्पेशली हम जब मल्टीटोन की बात करते हैं तो कई तरह के सिग्नल्स आप उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर आप सुपर इम्पोज कराएंगे। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो एकदम सीधी सीधी बात है कि इसको वाइड बैंड फिल्टर से आपको पास कराना पड़ेगा। वाइड बैंड का मतलब जिसमें जो बैंडविड्थ होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसमें 2 kHz भी आ जाएगा, 5 kHz भी आ जाएगा, 10 kHz भी आ जाएगा, और भी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी उसके लिए आपने इसको डिजाइन किया है। और ये पावर एम्पलीफायर है, मतलब इसको एम्पलीफाई भी करेंगे। दूसरे एंड पर देखें तो दूसरे एंड पर आपने एक ऑसिलेटर सर्किट लिया, क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, जो कि जिसको आप नैरो बैंड से पास कराएंगे। तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया और इधर से आप देखेंगे तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा। नैरो बैंड से क्यों पास करा रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल कैरियर की जरूरत पड़ती है। हमने बात आपको याद होनी चाहिए या आप जो मॉड्यूलेशन का जो बेसिक आपका लेक्चर है मेरा, है ना, उसको आप देखिए, उसमें आप देखेंगे तो एक कैरियर सिग्नल के ऊपर आप ढेर सारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स M1 M2 M3 इन सबको आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सो कैरियर सिग्नल तो एक ही रिक्वायर्ड है। एक सिंगल फ्रिक्वेंसी को आप ट्रांसमिट करने के लिए नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे। नैरो बैंड का मतलब एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के लिए आपने इसको डिजाइन किया है, यही फ्रीक्वेंसी FC हमारा ट्रांसमिट होगा, क्लियर है। अब ये जो हमारा कैरियर वेव है वो यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं हमारे, मतलब M1T M2T M3T ये सारे सिग्नल्स इसके ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। ये किस में होगा, ये AM मॉड्यूलेटर में होगा। तो AM मॉड्यूलेटर एक ब्लॉक है जिसमें आपका ये दोनों ये कैरियर के ऊपर ये जो सिग्नल्स हैं इसको हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग सम टेक्निक्स। और फिर फाइनली ये जो हमारा हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर हमारा मॉड्यूलेट करने के बाद जो सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है उसको हम एंटीना से ट्रांसमिट कर देते हैं। समझ आ रही बात। सो दिस इज हाई लेवल मॉड्यूलेटर। यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूलेशन हो रहा है वो हाई लेवल जो दोनों सिग्नल्स हैं हमारे उनको हमने एम्पलीफाई कर दिया है और उसके बाद हम उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर इसके बाद ट्रांसमिट करने के पहले आपको कोई एम्पलीफायर की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने एम्पलीफिकेशन पहले ही कर रखा है, इसीलिए इसको हाई लेवल एम मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, लो लेवल मॉड्यूलेटर। लो लेवल मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, मतलब जो मॉड्यूलेशन होगा वो लो पावर कंडीशंस में होगा और उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल को। तो आप यहाँ पर AM मॉड्यूलेटर यूज करें, लो लेवल है। लो लेवल का मतलब है कि पावर एम्पलीफाई नहीं किया गया है, आपने एक कैरियर सिग्नल यहाँ से ले लिया, है ना, क्रिस्टल ऑसिलेटर की सहायता से, और यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपने इसको इनपुट करा दिया। इस कैरियर के ऊपर ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स यहाँ पर सुपर इम्पोज होंगे AM मॉड्यूलेटर में, तो मॉड्यूलेशन हो गया। ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है अब इसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। और मॉड्यूलेटेड वेव में अगर आप देखें तो एक तो आपका ओमेगा सी है, दूसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, तीसरा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, मतलब हल्की सी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो वी यूज वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर। एक्चुअली में हमें नैरो बैंड अगर आप लिखें तो ज़्यादा ठीक है ना, लेकिन वाइड बैंड भी आप लिखते हैं तो वाइड बैंड के लिए भी आप बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ आप नहीं दे सकते। सो दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये बहुत स्मॉल वेरिएशन होता है तो आप इसको नैरो बैंड लिखें ज़्यादा अच्छा होता है।
और जो भी सिग्नल हमको मिलेगा, चूंकि आपने पावर एम्पलीफायर से पास कराया है, एम्पलीफाई हो गया, अब सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको लो लेवल मॉड्यूलेटर को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका हमारे पास क्या है जनरेट कराने का, चूंकि हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरल वे की बात कर रहे हैं, जनरली आप कैसे करते हैं, ये हमारे पास सिग्नल होता है, तब इस सिग्नल को आप देखिए, इस सिग्नल को आप ओपन करके लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसी प्लस ए सी एम ए, है ना, कॉस ओमेगा एम टी, और फिर इसके बाद बाहर है कॉस ओमेगा सी टी, मतलब एसी को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एसी क्या है, एसी क्या कोई सिग्नल है, नहीं, ये एक डीसी कंपोनेंट है, डीसी सिग्नल हुआ हमारा, कॉन्स्टेंट है ये, और यहाँ पर एसी एम में आपके किससे मल्टीप्लाइड है, कॉस ओमेगा एम टी से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये आपका कोई ऑसिलेटर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, तो ये ऑसिलेटर आपका मैसेज सिग्नल जनरेट करेगा, ओमेगा एम टी सिग्नल, और उसके बाद फर्दर आपको ये इन दोनों को सम करके डीसी प्लस ये जो आपको ऑसिलेटर है उसको आप एक और ऑसिलेटर सर्किट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू वी यूज मल्टीप्लायर। तो इन्हीं इसी इक्वेशन को देखते हुए ये सर्किट डिजाइन किया गया था। यहाँ पर आपका एम टी जनरेट होगा, यहाँ पर आपका डीसी लेवल है, मान लीजिए एसी है हमारा, एसी प्लस एम टी यहाँ पर समर के द्वारा पास होगा, ये एसी एम टी हो गया और एसी हो गया, एसी प्लस एम टी हमारा यहाँ पर हमको मिलेगा। इस एंड पर मिलने के बाद इसको आप कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा सी टी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनल हमको सिग्नल मिलेगा दैट इज एम टी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना, तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन जनरेट एम मॉड्यूलेटेड वेव, है ना, ओके है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो तरीका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक में, वो नॉन लीनियर स्क्वायर लॉ एम मॉड्यूलेटर। अब इस नॉन लीनियर स्क्वायर लॉ एम मॉड्यूलेटर में क्या है, देखो स्क्वायर लॉ कोई डिवाइस होगी तो स्क्वायर लॉ है, मतलब उसमें स्क्वायर का फॉर्म होगा। नॉर्मली हम लोग कोई नॉन लीनियर डिवाइस यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और आगे भी हम लोग देखेंगे कि नॉन लीनियर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से ये वी वन टी वी टू टी हमारा क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। टेक्निक में क्या होता है, हम दोनों ही सिग्नल, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं समर के द्वारा। ऐड करने के बाद जो हमें सिग्नल मिला है उसको स्क्वायर लॉ डिटेक्टर से पास डिवाइस से पास करा देते हैं। ये जो सिग्नल है हमारा ये स्क्वायर होके ना एक मतलब एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के सहारे ना ये आगे वी टू टी अप्लाई पास होगा, और इसको आप नैरो बैंड पास फिल्टर से पास करा देंगे तो आपको ए एम टी मिल जाएगा। दिस इज अ टेक्निक, है ना। तो अब इसको करते कैसे हैं? इसको हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एम टी और सी टी दो सिग्नल है, एम टी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सी टी हमारा कैरियर सिग्नल है। तो पहले स्टेज में क्या है, इन दोनों को हम सम करेंगे, तो जब हम इसको सम करेंगे तो वी वन टी हमको मिलेगा, है ना। ये जो पीछे आपका डायग्राम था देखो यहाँ पर क्या है, वी वन टी हमको मिल रहा है। तो वी वन टी की वैल्यू क्या होगी, एम टी प्लस सी टी, एम टी की वैल्यू वी एम कॉस ओमेगा एम टी, और सी टी की वैल्यू वी सी कॉस ओमेगा सी टी, मतलब वी सी आपका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, वी एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा सी कैरियर सिग्नल का फ्रिक्वेंसी है। तो वी वन टी हमारा इन दोनों का सम आ गया। अब हम इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करते हैं, ये नॉन लीनियर डिवाइस है हमारी, है ना। तो नॉर्मली हमारी जो नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट आता है, मान लो यहाँ पर हम कोई भी आप एक इनपुट ले लीजिए, मान लीजिए वी आप अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट वी नॉट मिल रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू होती है ए वी प्लस ए वी स्क्वायर बी वी स्क्वायर प्लस सी बी क्यूब, है ना, प्लस डी वी पावर फोर एंड सो ऑन, ऐसा होता है। और नॉर्मली चूंकि स्क्वायर लॉ इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो हायर टर्म्स होते हैं इनका बहुत मतलब होता नहीं है, ये सारे हार्मोनिक्स ही हैं, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो वी यूज नॉर्मली ए वी प्लस बी वी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आप यूज करते हैं नॉर्मली। तो उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम वी टू टी की बात करें तो वी टू टी हमारा क्या हो जाएगा, ए वी वन टी प्लस बी वी वन टी स्क्वायर प्लस सी वी वन टी क्यूब एंड सो ऑन। और हायर पावर्स को आप अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ ये दो वैल्यूज मिलेंगी, ए वी वन टी प्लस बी वी वन टी स्क्वायर। अच्छा, वी वन टी हमारा है क्या, ये टर्म है, आप इसको उठाकर यहाँ रखिए, तो ए इंटू वी वन टी की जगह ये रख दिया प्लस बी इंटू वी वन टी का स्क्वायर आपने कर दिया, है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा मिलेगा हमको। तो पहला वाला टर्म तो आपने वैसे लिख दिया, ए को बस ओपन कर दिया, तो ए वी एम कॉस ओमेगा एम टी प्लस ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी, ऐसा हमको मिल गया।
प्लस इसको आप स्क्वायर करेंगे तो बी इंटू इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर जिसको आप बोल रहे हैं ना, इसका स्क्वायर मतलब वीएम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, प्लस इसका स्क्वायर वी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, प्लस टू ए बी मतलब टू वीएम कॉस ओमेगा एम टी वी सी कॉस ओमेगा सी टी, इज इट ओके और नॉट, है ना, ये ओके है एकदम। तो आप इसको, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें तो ए वी एम कॉस ओमेगा एम टी प्लस ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस बी वी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस टू बी वी एम कॉस ओमेगा एम टी वी सी कॉस ओमेगा सी टी, जो पीछे आया था उसी में बस बी को आपने ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो तीन चीजें यहां पर हैं, एक तो कॉस स्क्वायर का टर्म है आपका, तो कॉस स्क्वायर को कॉस टू ओमेगा के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो कॉस टू एक्स हमारा होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा टू कॉस टू एक्स, देखो ये वन इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू एक्स और डिवाइडेड बाई ये टू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, तो ये हमको मिलेगा। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर है, दो फ्रिक्वेंसी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई किए गए, तो आप टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्लियर है ना। चलो तो ऊपर वाले दोनों टर्म्स तो हमारे फिक्स ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम उनको दिखाई नहीं दे रही है, सो ए वी एम कॉस ओमेगा एम टी प्लस ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस। अब जरा इस टर्म को हम देखते हैं, इन दोनों टर्म्स को, तो यहाँ पर बी वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, तो ओमेगा एम टी की जगह हो गया एक्स, है ना, यही तो हुआ, तो टू एक्स हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू ओमेगा एम टी और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे यही फॉर्मूले से यहां पर, प्लस b इंटू वी सी स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा हो गया। प्लस इसको देखिए, टू तो आपका इसमें शामिल हो गया, b vm बचा, तो b vm vc, vc यहां पर है, vc टू वी एम वी सी, तो टू को आपने आगे ले गए, टू कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, तो टू कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब ये हमारा हो जाएगा बी बी वी एम वी सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, है ना, आप इसको ए कह लीजिए तो ए की वैल्यू क्या है ओमेगा सी टी, इसको बी कह लीजिए बी की वैल्यू क्या है ओमेगा एम टी, तो आपका ए माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, और ए माइनस बी क्या होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, वही चीज तो यहां लिख दिया है ना, तो ये दोनों टर्म्स हमको मिल गए। अब आप इसको एक सीक्वेंस में लिखिए, मतलब आप इसको पहले लिख लीजिए ए वी एम कॉस ओमेगा एम टी प्लस ए वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी वी एम स्क्वायर बाई टू, है ना, बाई टू है, प्लस बी वी एम स्क्वायर कॉस टू ओमेगा एम टी डिवाइडेड बाई टू, ये दोनों टर्म हमारे हो गए। ऐसे बी वी सी स्क्वायर बाई टू प्लस बी वी सी स्क्वायर कॉस टू ओमेगा स्क्वायर सी टी डिवाइडेड बाई टू, ऐसा हमको मिल गया, प्लस बी वी एम वी सी कॉस ओमेगा एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टू टी प्लस बी एम वी सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू टी, ये इतने टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक बात है ना, ये तो ये हमारे पास इतना अवेलेबल है। अब इसको नैरो बैंड पास फिल्टर से पास कराएंगे, नैरो बैंड का काम देखिए क्या है, हमारा जो नैरो बैंड पास फिल्टर है ये एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब सिंगल फ्रिक्वेंसी को डिजाइन करेगा ओमेगा सी के लिए आपने डिजाइन किया है, तो इसके साथ की जो फ्रिक्वेंसीज है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये इन दोनों को पास करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, तो ओमेगा सी आप एफ सी की वैल्यू कर दो, एफ सी हमारा क्या है वन मेगा हर्ट्ज है और एफ एम मान लीजिए वन किलो हर्ट्ज है, तो ये वन मेगा हर्ट्ज का मतलब थाउजेंड किलो हर्ट्ज हो गया, है ना, तो अगर हम एफ सी माइनस एफ एम की बात करें तो एक हजार में से एक माइनस हो गया 999 किलो हर्ट्ज, और एफ सी प्लस एफ एम हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1001 किलो हर्ट्ज, मतलब ये करीब करीब इसी के बराबर है, जो एफ सी की वैल्यू है उसी के पास की वैल्यू एफ सी माइनस एफ एम है, उसी के पास की वैल्यू एफ सी प्लस एफ एम है, क्लियर है। कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है इसमें जरा देख लेते हैं, वी टू टी में ये तो हमारा डीसी कंपोनेंट हो गया, ये हमारा डीसी कंपोनेंट है, क्लियर है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसमें कोई फ्रिक्वेंसी टर्म नहीं है, ये हमारा ओमेगा एम फ्रिक्वेंसी है मतलब ये 1 किलो हर्ट्ज हमारा हुआ, ध्यान से देखिएगा ना, ये हमारा ओमेगा सी है मतलब ये हमारा 1000 किलो हर्ट्ज हो गया, ओके, ये हमारा क्या है 2 ओमेगा एम है मतलब 2 किलो हर्ट्ज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 2000 किलो हर्ट्ज, 2000
ओमेगा सी है। अच्छा इसको जरा देखिए, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हो गया 1001 किलो हर्ट्ज है ना, और ये क्या हो 9999 किलो हर्ट्ज। तो कितने फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हो गए, मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1000 तो आपका ओमेगा सी हो गया, 999 हो गया ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, 1001 हो गया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम हो गया 2 किलो हर्ट्ज है ना, ओमेगा 2 ओमेगा सी हो गया 2000 किलो हर्ट्ज, और इसके अलावा क्या है डीसी कंपोनेंट हमारे पास इतने सारे हैं। अब जरा इसमें हम जरा काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, हमने नैरो बैंड पास फिल्टर यूज किया किस फ्रिक्वेंसी के लिए, ओमेगा सी, मतलब 1000 किलो हर्ट्ज के लिए आपने फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करना है, तो वो अपने आसपास की फ्रिक्वेंसी को भी पास होने देगा। तो 1000 के पास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1001 और 999, मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये ओमेगा सी के साथ पास हो जाएगा है ना, ये तीन होंगे। बाकी की फ्रिक्वेंसीज को जरा देखिए, 2 किलो हर्ट्ज वो तो 1000 से बहुत ही कम है, ये कैंसिल। ऐसे ही 1000 का डबल 2000, ये भी तो बहुत अलग है ना। अब नैरो बैंड पास में देखिए तो दोनों जो फ्रिक्वेंसीज है एकदम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दो छोर पर। इसके अलावा डीसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, भी हमारा फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ओमेगा एम हो गया, 2 ओमेगा एम हो गया, 2 ओमेगा सी हो गया है ना, और डीसी कंपोनेंट्स हमारे जो हैं वो सारे हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। केवल पास क्या होगा, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी और दोनों साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज। तो आपको पता है ना कैरियर और साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वही तो एएम वेव होता है। इसका मतलब इस डिवाइस की सहायता से आप ठीक ठीक एएम वेव को जनरेट करा पा रहे हैं। सो दिस इज द टेक्निक हाउ वी विल जनरेट एएम वेव यूजिंग नॉन लीनियर स्क्वायर लॉ एएम मॉड्यूलेटर। ओके, ये हमारा एक टेक्निक हो गया। इसी तरह से आप डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम डीमॉड्यूलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, तो उसमें भी दो तरीके होते हैं कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है। आपके एग्जाम में नॉर्मली ये तो पूछा नहीं जाता है, पूछा भी जाता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में भी आप एएम वेव को स्क्वायर लॉ डिवाइस को आप अप्लाई कर देंगे, याद रखिएगा, और उसे लो पास फिल्टर से पास करा देंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो डीमॉड्यूलेटेड वेव का मतलब हमें मैसेज सिग्नल चाहिए। और तो किसको किसको फिल्टर आउट करना है, कैरियर सिग्नल को, कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी होता है याद रखिएगा है ना, कैरियर सिग्नल को। और स्क्वायर लॉ से आप पास करा रहे हैं तो 2 MT, मतलब MT जो आपका ओमेगा एम होगा उसमें 2 ओमेगा एम का भी टर्म आएगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा, 2 ओमेगा सी का भी टर्म आएगा वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा। इसके अलावा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये सारे जो हमारे टर्म्स हैं फिल्टर आउट हो जाएंगे क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसीज हैं। केवल लो फ्रिक्वेंसी ओमेगा एम का जो टर्म होगा उसके लिए आपने लो पास फिल्टर डिजाइन किया है, सिर्फ वही फ्रिक्वेंसी वहां से पास होगी, इस तरह का आप प्रयोजन कर देते हैं। अच्छा दूसरा जो तरीका होता है हम यूज करते हैं एनवलप डिटेक्टर, उसमें हम नॉर्मली डायोड यूज करते हैं। देखो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है वो इस तरह से होता है, अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद हो तो आप इस तरह से करते हैं। इसमें जो हमारा एनवलप होता है ये दिखाई दे रहा है, मतलब आप पीक वैल्यूज को आप देखिए तो जो पीक वैल्यूज हैं वो अलग अलग आपको मिलती हैं है ना, और ये चूंकि दोनों ही साइकिल में अवेलेबल होता है सिग्नल, तो हम डायोड जब लगा देते हैं तो केवल अपर साइकिल हमको मिलती है, लोअर साइकिल से हमको मतलब नहीं रहता है। मतलब आप डायोड लगा देंगे आपका जो सिग्नल होगा वो जीरो के ऊपर आपको मिलेगा, मतलब इस तरह से है ना, आप देखेंगे तो आपको इस तरह से सिग्नल मिलेगा, फिर ये कम होता जाएगा, फिर ये और कम हुआ, फिर ये और बढ़ा, फिर और ये और बढ़ा, एंड सो ऑन। मतलब ये हमारी पीक वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। अब लो पास फिल्टर में आपका एक R होता है और दूसरा C होता है ना, R और C की सहायता से आप लो पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं। तो ये जो इसमें क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, तो मेनली जो आपका कैपेसिटर होगा वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो आप क्या करते हैं, इसमें एक स्विच लगाते हैं है ना, और उसके बाद फिर कैपेसिटर की आप चार्जिंग कराते हैं। तो स्विच को एक टाइम पर आपने जल्दी से क्लोज कर दिया और फिर उसी समय ओपन कर दिया, तो जैसे ही क्लोज करके ओपन करते हैं तो क्लोज करते ही पीक तक चार्ज हो गया ये। अब ये पॉइंट होल्ड करेगा कैपेसिटर है ना, ये वाला पॉइंट, फिर जैसे ही आपने क्लोज करके फिर से ओपन किया अब अगला वाला पॉइंट होल्ड करेगा, इस तरह से सारे पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स मिल गए, जब इनको फिर फर्दर आप कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सम टेक्निक, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। इन दिस वे लो पास फिल्टर की सहायता से आप ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो डायोड क्या कर रहा है, नेगेटिव पोर्शन को समाप्त कर देता है पॉजिटिव पोर्शन में, तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा एनवलप आपका अवेलेबल रहता है,
उसी एनवलप को कैपेसिटर की सहायता से डिटेक्ट किया जाता है, देयरफॉर दिस टेक्निक इज नोन एज एनवलप डिटेक्टर। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से आपको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स को परफॉर्म करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए ना, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, उसके बाद आप अगले वीडियो पर जाइएगा, ठीक है। चलिए इसी मोड पर मैं आप लोगों का साथ अभी छोड़ता हूँ और अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को